नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खास पेशकश अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबरों का। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मूसलाधार बारिश का लगातार कहर देखने को मिल रहा है। नदी के बढ़ते जल स्तर को देखकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए रात के समय में भी पानी कम होने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चमोली में भी लगातार बारिश ने लोगों के लिए परेशानियां पैदा की हुई हैं, परेशानियां बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आने से हेलंग उर्गम मोटर मार्ग जाम हो गया है, जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। सड़क के आर पार वाहनों की लंबी लाइनें लगी हैं, जैसे कि देखा जा सकता है किस तरीके से तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। वहीं ग्रामीण खुद ही मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ग्रामीण खुद ही मलबा हटाने में जुटे हैं और इंतजार करते हैं कि आखिर कार्य परिस्थिति कब सामान्य होगी, कब नॉर्मल होगी और ये रास्ते कब खुलेंगे, कब ये मलबा पूरा हटेगा। तो उन्हें आने जाने में परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद ये जो हालात हैं, ये जो परिस्थितियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हर बार, हर सीजन में, हर बारिश में ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। तो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों दोनों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। बढ़ती महंगाई के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस विधायक साइकिल पर सवार होकर उत्तराखंड विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में 5 दिवसीय मॉनसून सत्र चल रहा है और गुरुवार को सत्र का 4th दिन रहा। कांग्रेस विधायक जनता के मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं गुरुवार के सुबह साइकिल पर विपक्ष के सभी विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे। कांग्रेस विधायकों का ये कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई आसमान को छू रही है। तेल की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि लोगों को गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर यही हालात लगातार बने रहे तो लोगों को वाहन छोड़कर साइकिल पर ही सवारी करनी पड़ेगी और यही वजह है कि सरकार को हालात से रूबरू कराने के लिए कांग्रेस विधायक साइकिल पर विधानसभा पहुंचे हैं। तो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन इस दौरान जता रही हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, और ये साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर इस तरीके से तेल के जो दाम है वो आसमान छूते रहे और इसी तरीके से महंगाई चरम पर बढ़ी रही, चरम पर रही, तो लोगों को गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, लोग साइकिल पर सवार होने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष का ये प्रदर्शन, किस तरीके से ये हाथों में पोस्टर लेकर अपना प्रदर्शन जता रही हैं, साइकिल पर सवार होकर ये बढ़ती महंगाई के विरोध में साइकिल यात्रा निकाली गई कांग्रेस के विधायकों के द्वारा। पूरी पब्लिक, पूरा भारत का आम नागरिक इस समय परेशान है। कोरोना से पहले रोजगार चले गए हैं, महंगाई स्तर बढ़ाते जा रही है। एक तरफ गैस के दाम जहां 900 रुपये को छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम 100 रुपये को क्रॉस कर गए हैं और डीजल भी जो है सेंचुरी मारने की तरफ को है। ऐसे में कच्चा खाने का जो कच्चा तेल है वो 200 रुपये के आसपास पहुंच गया है। आम आदमी की नौकरियां गई हैं, आम आदमी का कारोबार चौपट हुआ है। ऐसे में महंगाई घटाने के बदले महंगाई बढ़ाई जा रही है, ये आश्चर्यजनक है। जहां एक तरफ 1000 करोड़ रुपया खर्च करके प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है, नया 1000 करोड़ रुपया करके संसद बनाई जा रही है, जबकि इतनी खूबसूरत संसद भारत की है, पूरी दुनिया में उसकी प्रचार है, ऐसे काम कर रहे हैं। इसको बंद करके इन्होंने तुरंत उस पैसे को जनता की सेवा में लगाना चाहिए, टैक्स कम करके लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। इसके लिए आज 310 में हम काम रोको प्रस्ताव ला रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुभाष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि साइकिल यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है, बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आगे क्या कुछ देखा जा सकता है, कांग्रेस किस किस कदर ये कदम उठा सकती है आगे अपना विरोध जताने के लिए? जी बिल्कुल, आज विधानसभा सत्र का 4th दिन था और सत्र की जो शुरुआत है वो विपक्ष के हंगामे के साथ हुए, बड़े विरोध प्रदर्शन के साथ हुए। कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो सदन में अपनी आवाज उठाते थे, उन्होंने सदन में पहुंचने से पहले साइकिल यात्रा निकाली जो कि विधानसभा के अंदर आई, यानी कि कहा जा सकता है कि अनुम और दिन जो विधायक हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष अपनी गाड़ियों में विधानसभा पहुंचते थे, लेकिन वो आज साइकिल के जरिए विधानसभा पहुंचे और उनका ये एक विरोध प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ। उनका कहना था कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और यही कारण है कि
अब वो साइकिल का जरिया ले रहे हैं और तमाम जो लोग हैं उनको साइकिल का ही जरिया लेना पड़ेगा। सुभाष विधायक जो है, जो कांग्रेस के जो विधायक है विपक्षी दल, वो लगातार ये आरोप लगाता है कि महंगाई बढ़ गई है, सरकार के इस दौर में, इस सत्ता में महंगाई चरम पर है, तो अब ये बोल रहे हैं कि जो साइकिल से लोग जो है सवारी करने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए ये तो रही महंगाई की मार, इसके अलावा क्या कुछ मांगे रही विधान सभा जो सत्र के बाहर जो साइकिल यात्रा निकाली गई, इस दौरान विपक्ष की क्या कुछ और मांगे रही, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल मनीषा, ये मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं था ये, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो सत्र के दौरान विपक्ष जो अपना विरोध प्रदर्शन है वो कई तरीके से दिखाता है, सदन के अंदर अपनी आवाज और सवाल लगाकर दिखाता है, तो वहीं सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन, धरना और इस तरीके की योजना बनाकर दिखाता है। और यही कारण था कि आज कांग्रेस साइकिल के जरिए विधानसभा पहुंची थी और उनका ये विरोध प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़े हैं और इसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजलों के दाम में इजाफा हो रहा है, इसको कम करना चाहिए क्योंकि इसका सीधा असर आम जनमानस से पड़ता है, ना केवल उस आम जनमानस से जो कि अपनी गाड़ियों में जाता है बल्कि उन सभी लोगों से जो कि प्राइवेट बसों का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और खासतौर से कहा जा सकता है कि पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ने से बसों के किराए में वृद्धि हुई है, टैक्सी के किराए में वृद्धि हुई है, लोकल विक्रम के किराए में वृद्धि हुई है और इसका सीधा सीधा नुकसान आम जनमानस को होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुभाष। तो विधानसभा सत्र के बाहर अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए साइकिल पर सवार होकर जो विपक्षी दल है वो पहुंचे और अपना महंगाई को लेकर अपना विरोध जताया, साइकिल यात्रा निकाली गई विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन यानी कि गुरुवार को महंगाई के मुद्दे पर सदन में सत्ता और विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखी गई। विपक्ष ने नियम 310 में महंगाई का मुद्दा उठाया, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बढ़ती महंगाई के लिए सीधे जमकर सरकार को बहुत ज्यादा जिम्मेदार ठहराया, बहुत ज्यादा कोसा। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने सरकार का पक्ष रखा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में महंगाई कम है। संसदीय कार्य मंत्री ने अन्य राज्यों से तुलना करते हुए आंकड़े भी पेश किए। संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट हालांकि नजर नहीं आया और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सदन की कार्यवाही कल यानी कि शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे से फिर से सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। सेंटर में आना, मीडिया सेंटर 310 के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से महंगाई का मुद्दा सदन के अंदर उठाने का काम किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा नियम 58 के अंतर्गत सुना गया। कांग्रेस ने बढ़ती हुई महंगाई के परिप्रेक्ष्य में सदन के अंदर अपनी बात कहने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये कहते हुए कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है पल्ला झाड़ने का काम किया है, निश्चित रूप से आज प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। तो सदन में विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया। आज चौथे दिन यानी गुरुवार को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है और विपक्ष जमकर जो है सरकार को कोस रहा है, सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष की सदन में रही है और इसी के चलते आज चौथे दिन यानी कि गुरुवार को भी ऐसा ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली सदन की, जहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा और महंगाई के मुद्दे पर अपने सवाल किए और अपने उन मुद्दों को उठाया जो सीधे जनता से जुड़े हैं। महंगाई के मुद्दे को यहां पर विपक्ष ने उठाया।
और वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि अब तक 88 लाख लोगों को वैक्सीनेशन पूरा कर लिया गया है, जबकि दो जिले ऐसे रहे हैं जो पूरे देश में वैक्सीनेशन के मामले में नंबर वन जिलों में से आते हैं। इन जिलों में हमने 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया है। धन सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने 67 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की जांच करवाई है, वहीं हमारा रिकवरी रेट जो है वो 97% रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोगों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2.5 सालों से इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग भी स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की तारीफें कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने नर्सिंग स्टाफ से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ और आशा वर्कर के लिए भी हर स्तर पर नौकरियां निकाली हैं। धन सिंह रावत ने बताया कि आज हमारे राज्य में 2,500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2017 में हमारे राज्य में एक ऑक्सीजन प्लांट हुआ करता था, जबकि आज की तारीख में हमारे राज्य में 88 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें से 42 काम कर रहे हैं, जो कि शुरू जो बाकी 88 में से जो 42 हैं वो शुरू किए जा चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, और जो बाकी हैं वो शुरू होने की प्रक्रिया में हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में आज तक लगभग 80 लाख लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है, और देश में हमारे दो जिले टॉप वन पे आए हैं कि हमने 100% वैक्सीनेशन वहाँ पूरा कर दिया है। हमारी सरकार द्वारा 67 लाख से ज़्यादा लोगों का जो है कोरोना की जांच कराई गई, और हमारा जो रिकवरी रेट है वो जो है 97% है, जो कि पूरे देश में एक अच्छे राज्यों में हमारा राज्य भी शामिल है। हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन 2.5 वर्षों में इतना काम किया है कि सारे रिकॉर्ड आज मैंने सदन में भी रखे, कल भी रखे और आज भी रखे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि सत्ता पक्ष के सब लोगों ने तो तारीफ की कि स्वास्थ्य विभाग के, लेकिन विपक्ष के लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग की बहुत तारीफ की और ये कहा कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में वाकई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने नर्सिंग स्टाफ से ले कर, पैरामेडिकल से ले कर, आशा वर्कर से ले कर हर स्तर पर नियुक्तियाँ भी निकाली हैं, और अपने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी हमने काफ़ी बड़ी योजना चलाई है। हम वॉकेंड इंटरव्यू आजकल हर हफ्ते कर रहे हैं ताकि हमको अच्छे सर्जन और मिल जाएं। और मुझे ये भी कहते हुए खुशी हो रही है कि जब हमने राज्य संभाला था तो 2017 में 1100 डॉक्टर कुल यहाँ हमारे राज्य में थे, और आज हमारे राज्य में 2,500 से ज़्यादा डॉक्टर आज हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट जो है, 2017 में एक ऑक्सीजन प्लांट था हमारे राज्य में, और आज हमारे राज्य में 88 ऑक्सीजन प्लांट जो है कार्यरत हैं, जिसमें से 42 जो है काम कर रहे हैं, और बाकी इन 15-20 दिनों में उनका उद्घाटन भी हो जाएगा। और वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में बेबी रानी मौर्य ने अपने 3 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा कर लिया है। 3 साल का कार्यकाल पूरा करने पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि उनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए भी जा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि उनके द्वारा जल्द से जल्द ही जिलों का दौरा पूरा किया जाएगा और होम स्टे को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि अगर राज्य में होम स्टे को लेकर बेहतर काम किया जाता है तो पलायन को रोकने में होम स्टे काफी मददगार साबित हो सकता है।
वहीं चमोली जिले में कोरोना मरीजों के बेड और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में आईसीयू बेड, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब, प्रसूति कक्ष, कोविड वार्ड, आपातकालीन केंद्र और साथ ही मेडिकल स्टॉक रूम समेत ओपीडी, आयुष्मान भारत काउंटर, जन औषधि केंद्र समेत समस्त वार्डों का निरीक्षण करते हुए अलग अलग वार्डों में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया कि जिन भी संस्थाओं ने अभी तक वेंटिलेटर, कंप्रेशर मशीन और अन्य उपकरण प्राप्त नहीं किए हैं, उनसे तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द आवश्यक उपकरणों को लेना सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर के प्रथम तल में बच्चों के लिए तैयार किए गए एनएसएनसीयू वार्ड में निरीक्षण भी किया और पूरे अस्पताल का जायजा लिया। तो आईसीयू, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी का निरीक्षण किया गया जिलाधिकारी के द्वारा और अस्पताल जाकर तैयारियों का जायजा लिया। और वहीं दूसरी तरफ अब दो दिनों से सोशल मीडिया की सुर्खियां बने वीडियो पर पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है और एक महिला समेत इस पूरे मामले में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कर्ज के तले दबे एक फैक्ट्री मालिक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर कर्जदारों के नाम उजागर किए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। दरअसल मोहल्ला मदर कॉलोनी महेश पुरा के रहने वाले एक शकील अहमद ने दो दिन पहले ही कुंडेश्वर के भीमनगर में मौजूद पशु आहार फैक्ट्री में सुसाइड वीडियो बनाने के बाद रस्सी से फंदा बनाकर आत्महत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस वीडियो में मृतक ने अपने पार्टनर समेत अन्य कई लोगों पर उसे परेशान करने और साथ ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगाया था। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ था। वही हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एसपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि आत्महत्या से पहले बनी ये सोशल मीडिया वाली जो वीडियो है ये वायरल हो रही है, जिसमें काशीपुर थाने में उनकी पत्नी की तहरीर पर और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 306 और 506 आईपीसी में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं आज अपनी जान को फना करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत प्रेशर में हूँ, डिप्रेशन में, जीने में से नहीं आ रहा, नहीं जिया जा रहा मुझसे, इतनी परेशानी में। मुझे जो मिल गया वो चीटिंग आज ही मिल गया है, जो मिल गया 420 मिल गया है। मुझे राम किशन के इच्छा वाले ने जीना मुश्किल कर दिया। थोड़े से पैसों के लिए उसने मुझे धमकी दे दिया, गालियाँ बकरियाँ है। धर्मपाल जिंदर है रामनगर वाला, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मनीष गुलाटी है जसपुर खुर्द में, छोटा सा लड़का है लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे जवाब नहीं दे पाता। उसके 10-20 हज़ार रुपये थे मेरी तरफ, बदतमीजी कर दी उन्होंने मेरे साथ, उससे नहीं जिया जा रहा, इसलिए आज मैं अपने आप को फना करने जा रहा हूँ। बाकी मैंने इन्हें पार्टनर बनाया था, नौशाद, सरफराज, आसिम, इन्होंने मुझे धोखा ही दिया। इन्होंने भी एक साल से फैक्ट्री में बैठे हैं और एक रुपया नहीं दिया मुझे। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपने आप में, मेरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया इस चक्कर में कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा। मुकदमे हो गए लोगों के, मुझ पर मुकदमे कर दिए इन्होंने, धर्मपाल जिंदल ने और इसने, एक कांड वाले, उनने 2 लाख रुपये थे उनके, मेरे तरफ दोनों गाड़ियाँ ले ली मेरी, 50,000 रुपये भी दे दिए, फिर भी इस गाड़ी नहीं दी हमने मुझे। देखिए, इसमें कुंडेश्वरी जो है काशीपुर कोतवाली का क्षेत्र है, वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा अपनी फैक्ट्री में जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी और इनके द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया था मृत्यु से पहले, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्ति के द्वारा उनको उत्पीड़न, पैसों के लेन देन को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा था। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के द्वारा तत्काल पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई की गई और उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर जो है 306 और 506 का एक अभियोग थाना कोतवाली काशीपुर पर पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है और आयोग को भी निर्देशित किया गया है कि निष्पक्ष रूप से विवेचना की जाएगी और जो भी साक्ष्य और तथ्य
सामने आएंगे विवेचना के दौरान उसी के अनुसार वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। और उधर लक्सर के खानपुर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हबीबपुर रायसी विधानसभा में एक सभा आयोजित की। आयोजित जनसभा में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत और प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस सुशील राठी भी शामिल रहे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। अनुपमा रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जगह जगह हमारे दौरे हो रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है, जो अब साफ साफ दिखाई भी देने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी अगर प्रदेश में विकास नहीं किया जा रहा है, अगर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है और यहाँ के लोगों में झोली खाली पड़ी है, उनके हाथ खाली पड़े हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बड़ा दोष है। तो मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और जगह जगह जाकर वो जनसभाएं कर रही हैं और जो वहाँ पे जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उसकी खामियां उजागर करने का जनता के बीच में ये कांग्रेस पार्टी जो है अब लगातार काम कर रही है। मिशन 2022 को लेकर विपक्षी दल पूरी तरीके से तैयार है, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, हर एक दल पूरा जोर लगा रहा है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के रण में अभी से ही अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए सूबे की आखिरी सीमांत बद्रीनाथ विधानसभा के जोशीमठ क्षेत्र में इन दिनों आम आदमी पार्टी समेत तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां और दल के पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं ने अपना डेरा डाला हुआ है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी भी इन दिनों अपने 300 यूनिट मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड समेत अन्य विजन को लेकर सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के नगर क्षेत्र से लेकर दूर दराज के गांव-गांव में जाकर जनता के बीच में अपनी विजन 2022 को सफल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपरवान के नेतृत्व में सीमांत के सेलंग सलूड़ डुंगरी ग्राम सभा में दर्जनों लोगों ने रामायण मंदिर प्रांगण में आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो गांव-गांव जाकर युवाओं में पैठ बना रही है आम आदमी पार्टी। और पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह सड़कें भूस्खलन की वजह से बाधित हो रही है। वहीं गुरुवार को नेशनल हाईवे 58 पर देवप्रयाग के पास भरपूर के नीचे मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद देखा गया और बंद हो गया, जिसमें परेशानियां भी हुई लोगों को। मामले में थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 58 पर भरपूर के नीचे नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसे खोलने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया, जेसीबी मशीन वहां पर लगाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते ही यात्री जो है बाया टिहरी से यात्रा करें, क्योंकि इस मार्ग पर, इस रास्ते पर लगातार भूस्खलन के चलते रास्ता बंद है। और गुरुवार को हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के सामने एक्सिस बैंक की ब्रांच का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड सर्कल हेड रघुवीर सिंह चौहान, क्लस्टर हेड मुकेश सहानी, स्टेट हेड पंकज रावत, शाखा प्रबंधक रमन सचदेवा ने उनका जमकर स्वागत किया। एसएसपी हरिद्वार ने एक्सिस बैंक स्टाफ को शुभकामनाएं भी दी और इसके अलावा उत्तराखंड एक्सिस बैंक के सर्कल हेड रघुवीर सिंह चौहान ने सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस ब्रांच के आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं, अब लोगों के लिए काफी सुगम हो जाएगा, यहीं से लोगों को छोटे बड़े लोन लेने की सुविधाएं भी दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रांच मैनेजर रमन सचदेवा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि हम अपने बैंक के ग्राहकों को बहुत अच्छी सर्विस देने वाले हैं, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म काफी सक्रिय है, एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन जो कि इंडस्ट्री की सबसे अच्छी एप्लीकेशन है, पिछले 10 सालों से हम लोग उसके माध्यम से ग्राहकों को सुविधाएं दे रहे हैं।
और बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने 20 गांव के भूमि प्रकरण मामले को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंप दिया। इस दौरान जगतार सिंह बाजवा ने प्रदेश सरकार पर 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि को यानी इतनी जमीन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने की तैयारी करने का सीधा आरोप लगा दिया है। बता दें कि बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा युवाओं के साथ तहसील कार्यालय में एकत्रित हुए, जहाँ युवाओं ने 20 गांव की 5,000 से भी ज्यादा एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और आपको इसके अलावा ये भी बता दें कि इस दौरान किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने प्रदेश सरकार पर बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि को इतनी जमीन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने की तैयारी करने का सीधा आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार राजेंद्र सनवाल को सौंप दिया है। इस दौरान जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। और भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर शासन ने बजट स्वीकृत न होने पर भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सदन में सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अब ऐसे में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन सकता है, इसलिए भगवानपुर में PPP मोड़ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। वहीं सरकार का जवाब सुनकर विपक्ष ने सदन में आकर हंगामा भी किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने समय के लिए सदन को स्थगित कर दिया। भगवानपुर विधायक ममता राकेश का यह साफ तौर पर कहना रहा कि वित्त मंत्री रहते प्रकाश पंत ने बजट भाषण में भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी कही थी, लेकिन अब सरकार ने हाथ पीछे खींचते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।